स्वागत है आप सभी लोगों का वापस से एक और नई वीडियो पे। तो ये है लास्ट एपिसोड मॉडिफिकेशन सीरीज का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल कॉस्ट जो मुझे लगा इस बाइक को मॉडिफाई करने में। तो शुरुआत करते हैं वाइजर से। तो ये वाइजर जो ये यामा FZS बाइक का वाइजर है, तो ये आपको अराउंड 250 रुपीज़ to 300 के अराउंड फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो कहीं पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको हो सकता है एक होल मिले, तो उसको या तो आप रैप करवा के छुपा सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पे पेंट वाला पुट्टी जो आता है उससे भर के इसे ब्लैक पेंट किया, जिसके कारण ये पता भी नहीं चल रहा। सो अब बात करते हैं हैंड गार्ड्स की। तो ये जो हैंड गार्ड्स है ये एकदम नॉर्मल बेसिक वाले हैंड गार्ड्स है। इनका प्राइस अराउंड 600 to 700 होता है। ये आपको डिफरेंट कलर्स में भी मिल जाएंगे, रेड ब्लू वाइट ऑरेंज जो भी है। बेसिकली ये KTM हैंड गार्ड्स आप अगर सर्च करोगे तो आपको ये बहुत आसानी से मिल जाएंगे। हैंड गार्ड्स में आपको एक DRL वाले भी ऑप्शन है, लेकिन वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसमें आपको वायरिंग छेड़ना पड़ेगा जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस बाइक में किक नहीं आता है। अगर बैटरी पर और ज़्यादा लोड पड़ेगा तो वो अच्छा नहीं होगा, पता चला रास्ते में आपको धक्का लगाना पड़ रहा है तो वो अच्छा नहीं है। और एक चीज़, वाइज़र को इस बार मैंने नंबर प्लेट के नीचे इंस्टॉल किया है। तो इसका तरीका सिंपल है, जैसे मैंने पहले इंस्टॉल किया था वैसे ही करना है। बस इस बार किया क्या है मैंने कि इसे थोड़ा सा ऊपर करके इंस्टॉल किया है, जिसके कारण जो नंबर प्लेट जहाँ पे फिक्स होता था वहीं पे फिक्स हो गया है। ये आप मेरे चैनल पे और वीडियोस डले हुए हैं उस पे आपको आराम से मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा ऊपर करके इंस्टॉल करना है, जिसके कारण जो नंबर प्लेट है वो भी वहाँ पर आ जाए और ये वाइज़र भी वहाँ सेट हो जाए। अब बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जहाँ पे नंबर प्लेट टाइट होता है वहीं पे वाइज़र को भी टाइट कर देते हैं, तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि फिर नंबर प्लेट को आपको यहाँ पे इस मडगार्ड के ऊपर लगाना पड़ेगा, जिसके कारण फालतू के रैटलिंग नॉइजेज होंगे, तो वो अच्छा नहीं होगा। तीसरी चीज़ जो मैंने इस बाइक में करवाई है वो है ये फॉग लाइट्स, HJG के फॉग लाइट्स है। इनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आपको मैं एक बार क्लिप भी दिखा दूँगा। और ये डुअल कलर में येलो और वाइट लाइट दोनों इसमें। चौथी चीज़ जो मैंने इसमें लगवाई है वो है ये डुअल हॉर्न। अब डुअल हॉर्न आपके यूज़ के हिसाब से, अगर आप बहुत भीड़ वाले जगह पे रहते हो और आपको लोग साइड नहीं देते हैं तो ही आप लगवाना, नहीं तो मत लगवाना। मैं आपको एक बार इनका साउंड चेक करवा देता हूँ। बस तो ये जो हॉर्न है वो रूट्स के स्मार्ट टोन, इनका नाम है रूट्स स्मार्ट टोन हॉर्न। इसका साउंड इनोवा क्रिस्टा, आपको अगर पता होगा उस कार के जैसा हॉर्न है, ये इस पर बहुत अच्छे से सूट करता है। इनफैक्ट आप अगर कोई और बाइक पे भी लगवा रहे हो तो उस पर भी बहुत अच्छा लगेगा। पांचवी चीज़ हम बात करेंगे इस इंडिकेटर के बारे में। इसके अंदर हमने LED इंडिकेटर बल्ब लगा रखा है। ये देखो, इस पर मैंने फुल ब्लैक रैप किया हुआ है, फिर भी आपको अभी दिन में इतना विजिबल दिखाई दे रहा है, रात में भी और अच्छा से विजिबल रहता है। अब बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि ये बल्ब उनके बाइक में काम नहीं करता। कोई उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ये है कि आपको उसे ढंग से लगाना होगा। आपको आगे और पीछे दोनों जगह पे बल्ब को इंसर्ट करना है, उसका चेक करना है। अगर वर्क नहीं कर रहे हैं तो बल्ब को उलट उलट के लगाना पड़ेगा। बेसिकली जिन्हें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता होगा वो अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे इसे करना है। स्टिल अगर उससे भी वर्क नहीं करता है तो मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा। आप पीछे में यहाँ पे आप दोनों साइड LED वाले इंस्टॉल कर लो और आगे के लिए रख दो। कुछ दिन ऐसे ही यूज़ करो, आगे में हेलोजन रहने देना, और जब आपको फील होने लगे कि पीछे और आगे में अच्छा कोऑर्डिनेशन बन गया है, या फिर मैं कहूँ कि अच्छे से वर्क कर रहा है पीछे और आगे थोड़ा अटक रहा है, तब वहाँ पे आप LED लगा दो। मेरा वाला भी ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। पहले मेरा वाला काम नहीं कर रहा था, बट कुछ दिन बाद मैंने उसे वापस लगाया तो ये अच्छे से वर्क करने लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ वो है ट्रेन भी देख लो आप लोग। तो अब बात करते हैं इस चीज़ की। तो ये कुछ नहीं, एक फोम है, फोम का टुकड़ा है। ये हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए ताकि कोई भी रैटलिंग नॉइज अगर आती है हमारे बाइक पे तो वो ख़त्म हो जाए। आप लोगों में से बहुत लोगों ने नोटिस किया हो कि नंबर प्लेट से आवाज़ आती है, तो
तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे, जिसके कारण जो रैटलिंग नॉइज़ आती है वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने इसे यहाँ नंबर प्लेट पे और इस जगह वाइज़र पे भी करा है, जिससे रैटलिंग नॉइज़ नहीं आती है। और हाँ, ये देख लो, इसलिए मैं अपनी बाइक को पूरा लैमिनेट कर रखा हूँ। मेरे घर के आसपास बहुत बेशरम लोग हैं जो ये सब हरकतें करते रहते हैं। अगर वो देख रहे हैं तो आपके लिए मेरे तरफ से अपशब्द है। अब बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमने करवाई थी वो ये बैक में, बेसिकली आपको अगर पता होगा तो TVS रेडर में ये ग्रैब रेल और ये पार्ट जो है ये पूरा ग्रे होता है, तो इसे हमने पूरा ब्लैक पेंट करवा दिया था। आप अगर चाहो तो इसे रैप भी करवा सकते हो, लेकिन रैप उतना रिलायबल नहीं होगा। फिर वापस से अगर कुछ लोग आपके घर के पास भी ऐसे होंगे तो वो लोग भी यही सेम चीज़ कर देंगे आपकी बाइक के साथ, तो इसलिए हमने इस बार इसे पेंट कर दिया। हमने पहले भी ब्लैक कर रखा है, उसमें हमने रैप करा था। रैप भी करना आसान ही है, आप जो चाहो वो करवा सकते हो। पेंट करवाने का कॉस्ट आपको 900 रुपीज़ आएगा और रैपिंग कॉस्ट वही ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट पेंट कराना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट चीज़ जो हमने बाइक पे करवाई है वो ये ग्राफिक्स। तो ये आपको कभी ब्लू नज़र आता होगा, कभी पिंक नज़र आता होगा, बेसिकली ये रेनबो कलर्ड ग्राफिक्स है। मैं आपको ये कलर्स बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे को बहुत महंगा पड़ा था। प्लस ये वाले जो स्टिकर्स हैं ये बहुत प्रेम से आपके बाइक से वो कर देंगे, तो इसे आप ना लगवाओ। आप ऐसे ग्राफिक्स इंस्टॉल करवा सकते हैं। आप ट्राई करो कि आप रेडियम ही लगवाओ, ये रेडियम नहीं था, ये रैप था। इसे लगवाने में भी बहुत दिक्कत हुई है। रेडियम अगर आप लगवाओगे तो आप अपने खुद के हिसाब से जो कलर चाहो वो कलर आप लगवा सकते हो। ये ब्लैक थे एक्चुअली बहुत अच्छे लग तो रहे हैं, बट ये ड्यूरेबल नहीं है, ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगे। आप चाहो तो ब्लैक पे वाइट करवा सकते हो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, नियॉन ग्रीन, कोई भी कलर जो आपको पसंद हो कॉम्बिनेशन वो आप करवा सकते हो। और आप चाहो तो इसे नई भी करवा सकते हो, आपकी बाइक का एक सटल लुक निकल के आ जाएगा बहुत लो कॉस्ट में। अब बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि येलो कलर की TVS रेडर और रेड कलर की TVS रेडर पे कौन से कलर का ग्राफिक्स करवाए। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि रेड और येलो जो कलर है वो बहुत फंकी कलर्स है ऑलरेडी, तो उसके ऊपर आप ब्लैक कलर की सेम ग्राफिक्स लगवा सकते हो, मैट ब्लैक कलर, वो ड्यूरेबल भी रहेगा और आपका लुक भी अच्छा निकल के आएगा। उन बाइक्स पे एक निंजा टाइप का लुक निकल के आएगा। या फिर आप चाहो तो सिंपल बस ये पीछे वाला जो ग्रे पार्ट है उसे ब्लैक पेंट करवा लो और ये हैंड गार्ड्स और वाइज़र इंस्टॉल कर लो, उससे भी आपकी बाइक का एक बहुत अच्छा लुक निकल के आ जाएगा। वाइज़र और हैंड गार्ड्स अगर आप इंस्टॉल करवा लोगे तो और ज़्यादा अच्छा लुक निकल के आएगा। बाकी अगर ग्राफिक्स चाहिए तो ब्लैक कलर यूज़ कर लो, एक निंजा टाइप का लुक निकल के आ जाएगा। और हेडलाइट पे अगर रेड कलर की बाइक है तो यहाँ पे रेड कलर यूज़ कर लेना, और अगर येलो है तो येलो कलर यूज़ कर लेना ये चीज़ बनवाने के लिए, तो आपकी बाइक का एक बहुत अच्छा लुक निकल के आ जाएगा। तो अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट जो हमें लगी है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो शुरू से जोड़ते हैं। तो ये वाइज़र अराउंड हमें 300 का पड़ा, पूरा इंस्टॉलेशन के साथ मानते हैं तो 300। ये हैंड गार्ड्स 600 रुपीज़, तो यहाँ तो 900 रुपीज़ हो गए। फिर फुल बॉडी बाइक की लैमिनेशन अगर आप करवाओगे तो 1500 to 2000 रुपीज़ मान के रखो, तो उसके 1800 हम उसके जोड़ लेते हैं तो 2700 रुपीज़। और अगर आप रेडियम ग्राफिक्स डलवाओगे तो 800 to 900, तो 3600 वो हो गए। और हॉर्न्स और फॉग लाइट्स तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से क्वालिटी के डलवाते हो। अगर जी के डलवाओगे तो 1600 और नॉर्मल से डलवाओगे तो वही 400-500 के, लेकिन वो टिकाऊ नहीं रहते। तो वो हो गया आपको मान लो तो मैं अपना गणित थोड़ा भूल गया था, तो उसे सुधार के आ चुका हूँ वापस। तो ये फॉग लाइट 1600 के, तो वो हो गया आपको 5200 रुपीज़। और ये हॉर्न आपके 500 के हैं तो 5700। और ये इंडिकेटर के बल्ब भी जोड़ लो 200 रुपीज़, तो मान के चलो आप 6000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके घर के पास आपकी बाइक को ना छेड़े तो आप लैमिनेशन की तरफ मत जाना, बस ग्राफिक्स और ये सब लगवा लोगे तो आपका अराउंड 4000 रुपीज़
इनफ है बाइक को मॉडिफाई करने के लिए, लुक निकल के आ जाएगा बहुत अच्छा। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा बाइक अलग हट के लगे तो ये करवा लो, बाकी नहीं करवाना तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें जो हमने मिस कर दी थी उनमें से एक है ये विंगलेट। अब उसका रीज़न है मैंने उसे इंस्टॉल क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो स्क्रैचेस आप देखते हो वो विंगलेट के कारण ही आया था। आपको मैंने ये पहले ही बता दिया था बट फिर से बता देता हूँ, जब भी कोई पॉट होल से ये बाइक गुजरती है तो शॉकर के दबने के कारण यहाँ पे डैमेज होता है। हाँ, अगर उसे ढंग से इंस्टॉल करें, थोड़ा और अच्छे तरीके से इंस्टॉल करें तो वो भी आप लगा सकते हो। उसको इंस्टॉल करने का तरीका बहुत आसान है। आपको ये जो दो नट्स दिख रहे हैं नट बोल्ट, इन्हें खोलना है और विंगलेट पे उस हिसाब से होल करके इससे सेट कर देना है। दूसरी चीज़ जो हमने नहीं लगाई है वो है टायर अगर जो है उससे आपके ब्रेक शू पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। मेरी बाइक के ब्रेक पे प्रेशर पड़ रहा था जिसके कारण बहुत बेकार सा आवाज़ हो रहा था उससे। हाँ, अगर आप ढंग की क्वालिटी के लगवाते हो तो उससे हो सकता है आवाज़ ना करे, बट वो बहुत महंगा पड़े और उसका कोई यूज़ भी नहीं है सच। और हमने साइलेंसर भी नहीं चेंज किया है क्योंकि हम कोई भी इलीगल मॉडिफिकेशन अपनी वीडियोस में प्रमोट नहीं करने वाले हैं जिससे आपका नुकसान हो। चालान होगा तो फिर आप ही लोग रहोगे, मेरे को मत बोलना, लगवाना है तो लगवा लो। बाकी ये एक सिंपल और सटल मॉडिफिकेशन की वीडियो है और कृपया करके जिन्हें ये बाइक पसंद नहीं आती, जिन्हें ये मॉडिफिकेशन पसंद नहीं आते तो कृपया करके फालतू कमेंट ना करें। सब लोगों की अपनी पसंद होती है, मुझे ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स पे ये सब फालतू चीज़ें ना लिखें कि छपड़ी लग रहा है या ये लग रहा है वो लग रहा है, प्लीज़ ना लिखें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये थी हमारी पूरी वीडियो, आपको मैंने पूरा कॉस्ट बता दिया। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और चीज़ जाननी हो तो कमेंट करना। बाकी मैंने सारे एसेसरीज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अब कुछ दिन तक वीडियोस नहीं आएंगे क्योंकि मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं। मम्मी पापा का कहना है 90% मार्क्स लाओ तभी कुछ हो सकता है, हालांकि कुछ होने वाला है नहीं बट फिर भी कोशिश वही करने वाला हूँ। तो अब कुछ दिन तक वीडियोस नहीं आएंगे। होंडा SV125 और इसका कंपैरिजन, दोनों बाइक्स मैं ओन करता हूँ। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर वीडियो देखना तो भर भर के कमेंट्स कर देना। मैं चलता हूँ, अब बहुत काम है और